हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को अलविदा मुबारक हो। आज की रेसिपी मेरे नॉनवेज व्यूअर्स के लिए है। तो आज हम बनाएंगे पसंदे, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, तो इस ईद पे आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पसंदे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो मटन, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो आप भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले मटन को। उसके बाद मैंने मटन को अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल दिया है। उसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून तक के अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ तेज पत्ता डाला है, उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी इलायची डाली है 3। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी दालचीनी के 2 स्टिक्स। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़ी इलायची और 6 लौंग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तक के लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून तक के धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून तक के हल्दी पाउडर। सभी को एक साथ हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मटन अपने आप ही पानी छोड़ेगा। और इसमें हम थोड़ी सी जावित्री डालेंगे और थोड़ा सा जायफल डालेंगे। उसके बाद हम कुकर को कवर कर देंगे, 3 विसल आने तक के हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे जब तक के मटन इसमें अच्छे से पक नहीं जाता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मटन अच्छे से पक चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी भी है। हम इसी के अंदर 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे, जो मैंने पहले से ही काट के रखी थी। उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून तक के भुना बेसन ऐड करेंगे। तो इसे भी मैंने पहले ही भून लिया था, तो इससे क्या होगा, इस डालने से जो इसमें पानी होगा वो सारा अब्जर्व हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 50 ग्राम तक के सरसों का तेल लिया है। उसमें हम 1 फॉर्मल कटी हुई प्याज डाल देंगे, उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर में नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखा है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी में हम 2 टेबल स्पून तक के देसी घी ऐड कर देंगे। वो वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, तो इसमें जरूर देसी घी ऐड करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून तक के भुना जीरा ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून तक के सौंफ, इसे भी मैंने भून लिया था तवे पे पहले से और इसका पाउडर बना लिया है। इसे लास्ट में जरूर ऐड करें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो लीजिए यहाँ पे हमारे पसंदे बनके तैयार हैं। एट लास्ट मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता से इसे गार्निश किया, थोड़ी सी प्याज रखी और नींबू रखा है। नींबू को इसमें निचोड़ के खाएं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं पसंदे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।